योगी मेरी सुनी फरियाद, करहल रजवाहा में पानी दो। नारों से जनपद मैनपुरी का तहसील मुख्यालय करहल आज नारों से गूंज उठा। करहल रजवाहा में पानी न आने एवं दबंगों द्वारा जगह जगह अवरोध लगाकर रजवाहा का पानी रोक देने से करहल तहसील क्षेत्र के तमाम ग्रामों के किसानों का आज आक्रोश फूटा है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश सचिव शैलेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में लगभग एक सैकड़ा किसानों ने आज करहल तहसील मुख्यालय पर पहुंचे, जहां किसानों ने नारेबाजी की साथ प्रदर्शन कर अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तत्पश्चात करहल तहसील मुख्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम तहसील अभय राज पांडे को ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों ने करहल रजवाहा में तत्काल पानी छोड़े जाने की मांग की है। ज्ञापन देते समय तमाम किसानों काश्तकारों ने करहल के किशनी रोड स्थित करहल रजवाहा की पुलिया से नगरिया पुलिया के बीच अच्छे मियां दरगाह के आसपास कई जगह पर दबंगों द्वारा अवरोध लगाए जाने की वीडियो व फोटो दिखाकर अधिकारियों को मौजूदा स्थिति से अवगत भी कराया। करहल रजवाहा में दबंगों द्वारा जबरन पानी रोके जाने से करहल से लेकर अल्धापुर तक सूखा रजवाहा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। वहीं दूसरी ओर रजवाहा में दबंगों द्वारा अवरोध लगाकर पानी रोके जाने से किसान काफी आक्रोशित दिखे हैं। उन्होंने अधिकारियों से पानी रोके जाने वाले दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। इस विषय पर किसान नेताओं एवं अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। जी, क्या नाम आपका? अखिलेश कुमार। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हो आप? किसानों के साथ आए हैं, पानी की समस्या बोले, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहना चाह रहे हैं सारी जमीन सूखी जा रही है, धान की फसल सारी सूखी जा रही है, पानी की बूंद बम्बे में नहीं आ रही। इसके लिए किसको दोषी मानते हैं आप? किसको दोषी मान रहे हैं? मंत्री जी को, सरकार को। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, किसान मरा जा रहा है, बिजली आ नहीं रही है, बम्बे में पानी आ नहीं रहा है। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम हरिशंकर है, मैं वादी गांव का रहने वाला हूँ। जी, आज आप तहसील मुख्यालय पे आए कुछ मांग पत्र ले, क्या है पूरा मामला बताएं। हमारी मांग माध्यम एसडीएम साहब कहल को मैंने बनाया, मुख्यमंत्री जी को निवेदन करना चाहूंगा जी कि आपने ये कुछ जिले हैं आसपास जिसमें इटावा और मैनपुरी के ठीक बीच में सूखा पड़ी है, आपने बिजली तो दी ही नहीं और रजवाहा वगैरह में पानी है ही नहीं, क्यों अन्याय कर रहे हो? जरा पानी दे दो जनता को, क्यों मारे मानवता की लाज रखो, योगी कहलाते। ये आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, क्या है पूरा मामला बताएं। करहल रजवा जो है उसमें पानी नहीं आ रहा है, जिससे दर्जनों ग्राम के जो किसानों की जो धान की फसल है वो सूख करके नष्ट हो रही है। इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ज्ञापन देने आए हैं, जो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, जिससे पानी उड़ा जाए करहल रजवा में और जिससे किसान अपनी धान की जो फसल है उसकी सिंचाई कर सके। अच्छा, बोल लोग बता रहे हैं करहल रजवा में पानी आ रहा है लेकिन वह कई जगह रुका हुआ, उसके लिए क्या कहेंगे आप? करहल रजवा में पानी करहल के एक्सप्रेस वे के उस तरफ आ रहा है, इधर नहीं आ रहा है। जैसे नानवई नगरिया है, हरदासपुर है, पलूठा है, हरदासपुर है, चक है, भाली है, चक है, भाली है, मुला हरनाथ है, अलादपुर है, शांति नगर है, ये दर्जनों गांव जिनकी हजारों हजार बीघा जमीन है जो सूख करके नष्ट हो रही है, इधर पानी नहीं आ रहा है। सर, तहसील मुख्यालय में बहुत सारे किसान आए हैं, मांग पत्र दिया, क्या है पूरा मामला? जो करहल का रजवाहा है, कमला जिसको सामान भाषण बोलते हैं, वहाँ पर पानी की समस्या है। किसानों का ये कहना था कि वहाँ पर घास वगैरह ज़्यादा है, इस वजह से पानी का बहाव कम है, लेकिन वहाँ पर काम चालू हो गया। किसानों ने ही बताया कि मशीनें लगा कर जो सफाई की जा रही है, और कुछ समस्या ये है कि कई जगह लोगों ने उसको बांध रखा है पानी को, तो उसको खुलवाने के लिए संबंधित विभाग से यही जो खुलवा दिया जाएगा जरिए के लिए, और सफाई चल ही रही है, उससे पानी का बहाव तेज हो जाएगा।